माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपके साथ ये वाले लुक शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने रिसेंटली दो न्यू पैलेट खरीदे हैं। और तो मैंने सोचा क्योंकि अमेज़न पे सेल चली हुई है तो इन दोनों आई शेडो पैलेट का यूज करके मैंने ये लुक क्रिएट की है जो कि बहुत अच्छी टर्न आउट हुई है। और ये दोनों पैलेट का बहुत अच्छी पैलेट है, ये है मार्स की पैलेट और ये है निका के की शुगर कोट पैलेट। दोनों ही बहुत अच्छी है, अच्छी पिगमेंटेशन है, तो आप इन दोनों को ले सकते हैं। इनका लिंक माई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये लुक क्रिएट करने के लिए जैसे मैंने इसको यूज किया है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये मैंने लुक कैसे क्रिएट की है आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बट वीडियो में जाने से पहले प्लीज आप मेक श्योर कर लीजिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, उसके बराबर में जो बेल बटन है उस पर क्लिक कर दिया है आपको, और आपने ये वीडियो को लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, मैं वहां पर ट्रांजिशन रील्स डालती हूँ मेकअप की और बहुत अच्छे अच्छे ट्रांजिशन मैं क्रिएट करती हूँ पे, तो आप मुझे वहां जाके भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गाइस रिसेंटली मैंने कुछ अमेज़न से शॉपिंग की थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ये मेकअप लुक। एंड ये जो मैंने एक दो आई शेडो पैलेट ली हैं जो कि है ये, तो फर्स्ट है मार्स की आई शेडो पैलेट और सेकेंड है ये निका के की शुगर पैलेट। तो ये दोनों मैंने लिए है, तो ये दोनों पैलेट मैंने ली। मैं ये जो लुक क्रिएट कर रही हूँ इन दोनों पैलेट का यूज करके करने वाली हूँ। और ये दोनों न्यू लॉन्च है, आई थिंक मैंने अभी ली है तो मेरे लिए तो न्यू लॉन्च ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लूंगी। मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये ऑयल जो कि गुड वाइब्स का है। मैं एक्चुअली इसका वो हट गया है जो रैपर होता है, लाइक लेबल होता है, वो हट गया है तो इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। और मैंने ये फेक नेल लगाए हुए हैं, प्रेस ऑन नेल्स जिनको कहते हैं, और उनको थोड़ा सा नेल पेंट लगाया है। एंड तो इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी। और अच्छे से इसको मसाज कर लूंगी। तो ये सिंक इन होने के बाद हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर। और मॉइस्चराइजर के लिए मैं ऑल टाइम अपना फेवरेट निविया वाला अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये मेकअप के अंदर ही बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इसको मैं अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस पे और इसको अपने हाथ पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे फेस पे। तो अभी मैं अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए ये मार्स का ऑरेंज करेक्टर यूज कर रही हूँ। तो जहां भी आपके रेडनेस है आप वहां पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। रेडनेस है या फिर आपके डार्क सर्कल है, लाइक ब्राउनिश डार्क स्पॉट्स है, तो उनको हाइड करने के लिए आप ऑरेंज करेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो अभी करेक्टर एकदम ब्लेंड हो गया है तो अभी मैं लगाऊंगी फाउंड। और फाउंडेशन के लिए मैं अपना ओल्डी बट अ गुडी यूज कर रही हूँ और ये है इनफाइलेबल 24 आवर वाला फाउंडेशन लोरियल पैरिस का इन द शेड 140। सो ये मेरी शेड है एंड मैं इसको अप्लाई करूंगी। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे और इसको मैं थोड़ा सा वार्म अप कर लूंगी और इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी मैं डॉट डॉट फॉर्म में। इसको ब्लेंड कर लूंगी ब्लेंडर की हेल्प से। सो फाउंडेशन भी हो गया है ब्लेंड, अब कंसीलर अप्लाई कर लेते हैं। और कंसीलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का कंसीलर इन द शेड वनीला 101। इसको मैं अपने एज अ आईलिड प्राइमर भी यूज करूंगी क्योंकि मैं थोड़ी हैवी आईज करूंगी तो मैं सोच रही हूँ कि पहले आईज का मेकअप कर लें। ये वाला शेड लूंगी और इसको अपने आउटर क्रीज पे अप्लाई करूंगी और इसको ऐसे डैब डैब करके अप्लाई कर लेंगे। तो ये वाला कलर मैंने डिपॉजिट कर लिया है अच्छे से और ब्लेंड भी कर लिया है ना। अभी मार्स की पैलेट लेंगे और इसमें से ये वाला शेड लेके अपने आउटर वी में डिपॉजिट करके ब्लेंड करूंगी। सो ये भी डिपॉजिट हो गया है तो अभी मैं ये वाला शेड लूंगी और इससे अपनी जो हार्श लाइन है इनको ब्लेंड कर लेंगे। तो ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है, तो ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है, मैंने अच्छे से इनको ब्लेंड कर लिया है। नाउ हम कट क्रीज करेंगे। कट क्रीज के लिए मैं अगेन थोड़ा सा कंसीलर ले रही हूँ अपने बैक ऑफ द हैंड पे और अपने आईलिड पे अप्लाई करूंगी। मैं हाफ कट क्रीज करूंगी तो मैंने ये हाफ कट क्रीज कट कर ली है कंसीलर का यूज करके। अभी मैं मार्स वाली पैलेट से ये व्हाइट कलर लूंगी और इसको
सेट कर लूंगी कंसीलर को। कंसीलर हो गया है सेट, अभी मैं ये वाला येलो कलर लूंगी और ये जहाँ पे हमने ये कंसीलर अप्लाई किया है वहां पे इसको पैट करेंगे और इसको स्लाइटली पैटिंग मोशन में हम इसको अप्लाई कर लेंगे। तो ये अप्लाई हो गया है, अभी हम क्या करेंगे, हम अपने फेस की तरफ चलते हैं क्योंकि मैंने अभी सिर्फ फाउंडेशन लगाया है और कंसीलर अप्लाई किया था। सो मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ ब्लू हेवन वाला ही अपने अंडर आई एरिया में और थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट भी लाएगा ये मेरे फेस को और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। ब्लेंड हो जाता है ये और कवरेज लाइट टू मीडियम देता है, ये उतनी अच्छी कवरेज नहीं है इसकी, बट क्योंकि मैं ब्राइटनिंग के लिए यूज कर रही हूँ तो ब्राइटन कर देगा ये मेरा अंडर आई एरिया को और माय फेस को अच्छे से ब्राइटन कर देगा। तो कंसीलर हो गया है ब्लेंड, अभी हम फेस को सेट कर लेते हैं। फेस को सेट करने के लिए ये मेबलिन का इस फिट मी वाला पाउडर फाउंडेशन में यूज कर रही हूँ फेस को अच्छे से सेट करने के लिए और ये है इसका शेड 128, तो इस पे लूंगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और सेट भी कर लेंगे। तो फेस हो गया है सेट। नाउ ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये बायोटिक का स्टार स्टक मैट ब्लश, ये काफी सही अच्छा ब्लश है और मैट ब्लश है तो मुझे काफी अच्छा लगते हैं मैट ब्लश। मेरे आई कलर से थोड़ा सा ही लाइट है तो इसलिए मेरे आई कलर को कॉम्प्लीमेंट करे। ना ब्लश हो गया है अप्लाई, तो अभी थोड़ा कॉन्टोर कर लेते हैं। कॉन्टोर के लिए मैं अपना ये यूज कर रही हूँ फ्रीडम का, ये टूट चुका है और काफी पुराना है तो मैं इसको काफी यूज कर चुकी हूँ बट मेरा फेवरेट भी है ये, तो इसको मैं अप्लाई कर लूंगी। ये थोड़ी वार्म दे देता है मेरे फेस को तो अच्छा लगता है मुझे ब्रॉन्जिंग करना। गाइस अमेज़न पे बहुत अच्छी सेल चली हुई है, अगर आप मेरे से काफी अच्छी सेल चली हुई है तो जो भी मैं प्रोडक्ट आपको मेंशन करूंगी आप वहां जाके खरीद लेना। कोर्स थोड़े एफिलिएट होंगे बट थोड़ा सा मुझे एफिलिएट वाला कमीशन मिलता है, बट अगर आपको अच्छे ऑफर मिलते हैं तो आप उसको खरीद सकते हैं। अगर आपको चाहिए कुछ तो आप अमेज़न से खरीद सकते हैं और अच्छे ऑफर मिलते हैं तो आप खरीद लेना, अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ पसंद आए तभी, अदरवाइज नहीं। कुछ जरूरत हो आपको मन हो खरीदने का तो ही खरीदना। तो अभी हाइलाइटर की बारी आ जाती है और हाइलाइटर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर, ये भी काफी यूज कर चुकी हूँ मैं और इससे ही अपने फेस को हाईलाइट कर लेंगे ऐसे, थोड़ा सटल हाईलाइट ही रखूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी। तो हाईलाइट भी हो गया है डन, फेस मेकअप कम्प्लीटली डन हो गया है। अब हम बैक ऑन अपनी आईज पे आ जाते हैं। मैं पहले ये नेवी ब्लू कलर लूंगी तो मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट एक्चुअली करना चाहती हूँ तो ये वाला कलर लूंगी, अपनी लोअर लैश लाइन को स्मज आउट कर लूंगी। ये नेवी ब्लू कलर है और इसी से अपनी लोअर लैश लाइन को स्मज कर लेंगे। नाउ मैं ये निका के की पैलेट लेके और इसमें से ये जो वाला शेड है ना ब्लू वाला और ये शिमरी शेड है तो इसको अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लूंगी। तो अभी आईज हो गई है कंप्लीट, अभी मैं आईलाइनर अप्लाई करूंगी। आईलाइनर के लिए मैं ये ब्लू हेवन का आईलाइनर ले रही हूँ और इससे थोड़ा थिन लाइन क्रिएट कर लूंगी। तो लाइनर अप्लाई कर लिया है मैंने एंड अभी हम क्या करेंगे, मस्कारा अप्लाई करेंगे और मस्कारा के लिए मैं मेबलिन सेंसेशन का बार्बी मस्कारा यूज कर रही हूँ और ये मेरे मैच कर रहा है आईज से और टॉप से तो इसको हम अप्लाई कर लेंगे। सो आईज मेकअप कंप्लीट हो गया है, अभी नाउ मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ और ये है कलर बार की फुल मैट लिपस्टिक इन द शेड टेंटेड, तो इसको स्लाइटली अप्लाई करूंगी। सो मेकअप हो गया है डन, अभी मैं जाती हूँ तो थोड़ा सा तैयार होके आती हूँ और देन मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज ये फाइनल लुक है जो मैंने क्रिएट किया है,
और ये दोनों पैलेट बहुत अच्छी पैलेट है। आई मस्ट से कि आप अगर लेना चाहते हैं कोई अच्छी पैलेट और अफोर्डेबल प्राइस, ये सिर्फ 299 की है और ये वाली जो है ये 750 की है। ये वर्क करती है एवरी पेनी को। अगर आपको लेना चाहते हैं कोई आई शेडो पैलेट देख रहे हैं और अच्छे ब्राइट कलर हो उसमें और जो आप डेली वेयर भी पहन सकते हैं, तो इन दोनों पैलेट में से आप कोई भी ले सकती है। मैंने इन दोनों को लिया है, मैं बहुत खुश हूँ इन दोनों परचेजेस से। तो ये मैंने लिंक भी प्रोवाइड किया है जो कि अफिलियट है, आप उस लिंक के थ्रू भी खरीद सकते हैं। अभी क्योंकि अमेजोन पे सेल भी चली है तो मे बी आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए, तो आप उस लिंक के थ्रू भी और भी ज्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। सो दिस इज प्रीटी मच अबाउट दिस वीडियो। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।